नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। नई दिल्ली के अंदर राजस्थान में मचे घमासान को लेकर नए पैंतरेबाजी हो चुकी है शुरू। यहां एक और राहुल गांधी और पायलट की आज मुलाकात हो रही है। वहीं पायलट गुट के द्वारा नया पैंतरा एक फेंका गया है कि अगर सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाते हैं तो ही किसी समझौते पर बात हो सकती है। वहीं राहुल गांधी ने भी एक पैंतरा फेंक कर यह जताने का प्रयास किया गया है कि हम सीधे सभी विधायकों से जो असंतुष्ट हैं उनसे बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा है कि पायलट सभी विधायकों को साथ लेकर आए तभी राहुल गांधी और पायलट की बातचीत हो सकती है। अब देखने वाली बात यह भी है कि इतने लंबे अंतराल और इतने लंबे आरोप प्रत्यारोप होने के बाद राहुल गांधी के द्वारा पायलट को बुलाया जाना, यह भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। दिल्ली में जो नया पैंतरा चला है उस पर अशोक गहलोत तथा उसके पार्टी के विधायक भी खासे नाराज हो चुके हैं। लगता नहीं है कि इतना लंबी लड़ाई और इतने मनमुटाव के बाद पायलट और राहुल गांधी कोई रास्ता निकाल पाएंगे। वहीं दूसरी ओर सूत्र बता रहे हैं कि अगर पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की शर्त दिल्ली से आती है तो अशोक गहलोत के विधायक टूट सकते हैं। और अंदर खाते सूत्र यही बता रहे हैं कि अशोक गहलोत के विधायक फिर वसुंधरा राजे की तरफ रुख कर सकते हैं। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि अगर बीजेपी पायलट को साथ लेकर मुख्यमंत्री बनाने की बात करती है तो वसुंधरा राजे के जो समर्थक विधायक हैं वे अशोक गहलोत गुट की तरफ अपनी डंडा डोरी लेकर जा सकते हैं। अब देखने वाली यह भी बात होगी कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही न्यायालयों के अंदर चक्कर पर चक्कर लगा रही हैं और उधर से न्यायालय की तरफ से दोनों पार्टियों के लिए क्या नई बात निकल कर आती है, इस पर भी सबकी नज़रें बनी हुई हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।